कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत दीन बंधु सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके की। इस मौके पर हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए निर्मल सिंह भी पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आप नेता सुशील गुप्ता और कांग्रेस नेता निर्मल सिंह ने कहा कि इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। सुशील गुप्ता ने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा इस बार राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत करेगी। प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आप और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश में मौका दिया, लेकिन मौका मिलने पर भी भाजपा ने आखिर क्या ही किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कारगुजारी सबके सामने है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को कहीं का छोड़ा ही नहीं। हमारी खिलाड़ी बहनें सड़कों पर है, उनका इन्होंने अपमान किया है। वहीं किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। टीम इंडिया का जो गठबंधन हुआ उसके तहत आज पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है। एक तानाशाही सरकार की विदाई का वक्त है। हर कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न है कि हमने जो आज किसानों को लठ मारे जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, हाथों जैसे गोले छोड़े जा रहे हैं, विदेशी आक्रमणकारी की तरह उनके ऊपर व्यवहार किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, सुविधा के नाम पे स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चों के लिए रोजगार नहीं, नशा फैलता जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, अपराध फैलता जा रहा है, गुंडा राज फैलता जा रहा है, हर रोज गोली मारी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है। अभी तक व्यापारियों के ऊपर गोली चलती थी, अब राजनेताओं के ऊपर गोली चलती है। पहली बात यह है कि जब हमारा ये समझौता हुआ दोनों पार्टियों का, उससे बहुत मजबूती और विश्वास पैदा हुआ हम सब में, और फिर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हम हुए गुप्ता जी को लेकर, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और बिना समय खराब करे हमने काम शुरू कर दिया। बता दें कि इंडिया गठबंधन में आप और कांग्रेस में हुए समझौते के तहत कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं प्रदेश की अन्य 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।